इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। चाइनीज की प्रेस ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अड्डा बना अमेरिका का, तो हम ये समझेंगे कि ये बिल्कुल क्वैड का अड्डा है जो कि यहां बन चुका है और हमारी कंटेनमेंट के लिए बना है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? इसीलिए वो आज वो बोला है, इमरान खान के होते नहीं हो सकता तो खुला नहीं कैसे होते होता। टाइम गुजर गया, अमरीका जो है, इट्स अमरीका इज एक्चुअली बेगिंग। उसने दिए ना वो, उसने इस बैकिंग टू वे आउट, क्योंकि वियतनाम में उसके पास कमोडिया था, वो निकल गया था रूस के लिए। ये अमरीका, ये जो खबर के पाकिस्तान ने अमरीका को अड्डे दिए हैं, ये अमरीका से आई खबर। पाकिस्तानी हुकाम तो बिल्कुल टाइट लिप थे, खामोश थे इस हवाले से। वहाँ पर उनके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो सेनेट की एक कमेटी के सामने गए। वहाँ पर जो उनकी हेयरिंग होती है वो अंडर ओथ होती है, यानी वो झूठ नहीं बोल सकते वहाँ पर। अगर वो वहाँ पर झूठा बयान दें तो उनके ख़िलाफ़ परजरी का चार्ज लग सकता है, उनको जेल हो सकती है। वहाँ पर डेविड हलवे ने ये एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान जो है उसने हमेशा ग्राउंड पर और एयर में हमेशा फैसिलिटेट किया अमेरिका को, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की प्रेजेंस थी उसके लिए, और अभी भी हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, और हमें आइंदा भी वो इस तरह की मदद फ्राहम करेगा। अब अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बड़ी सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं, और वो जो कुछ कहना चाह रहे होते हैं उसी के लिहाज से वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान, जब ये पूरे अमेरिकन मीडिया ने भी इस खबर को उठाया, इंडियन मीडिया ने भी उठाया और ये कहा कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं और यहाँ पर ये बात भी हो रही है, तो सरकारी तौर पर पाकिस्तान ने कोई इसकी तरदीद नहीं की शुरू में कि जनाब हम ये अड्डे उनको नहीं दे रहे या दे रहे हैं। उन्होंने एक इस तरह से गोलमोल सा उसका जवाब दिया जिससे जो इबहाम है वो उससे ज़्यादा बढ़ा। अब अगर हम माजी में नज़र डालें तो आपको ये, जब अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए रूस के ख़िलाफ़ जासूसी के लिए, और यहाँ से U-2 एक उनका जासूसी प्लेन था जो उड़ता था और रशिया की स्पाइंग करता था, वो कभी पाकिस्तान ने नहीं बताया था कि हमने ये अड्डे दिए हुए हैं। वो तो रशियंस ने उस यूट्यूब को, उसको, जहाज़ को गिराया। जब वो जहाज़ गिरा तो फिर सारी दुनिया को पता चला कि अमेरिका इस तरह से कर रहा था, तो पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया। फिर आ जाते हैं आप ज़ियाउल्लाह साहब के ज़माने में, ज़ियाउल्लाह साहब के ज़माने में अफ़गान जहाद हुआ, उसमें CIA का अमरीका के सारे यहाँ पर, हमने उनको अड्डे दिए, उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन हमने अपनी कौम को यही बताया कि हम जहाद कर रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत है, और अगर अफ़गानिस्तान से रशिया को वापस नहीं भेजा तो वो पाकिस्तान में आ जाएगा, वो गर्म पानियों तक जाना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आ जाते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हमने कितने उनको बेस दिए, दालवदीन का दिया, हमने शमसी बेस दिया, जैकपाबाद दिया, और बहुत सारी जो अपनी हमारी जो फैसिलिटीज़ थी वो सारी की सारी अमेरिका के इस्तेमाल में रही, लेकिन कभी भी हमने उनको तस्लीम नहीं किया। जब वो यहाँ से चले गए तो फिर उसके बाद हमने माना कि जनाब बिल्कुल हमने उनको बेसिस दिए थे। अब भी तरदीद कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम और ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वहाँ पर तो बिल्कुल, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, सरकारी ऑफिसर थे अच्छे लेवल के, कि बिल्कुल इस तरह की कोई बात ही नहीं है, कोई हमने उनको ग्राउंड को, अड्डे को हमने देने ही नहीं है और ना हमने दिए। लेकिन जो मामलात को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ने फिर अड्डे दे दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा कोई ड्रोन मारा जाता है, कोई रॉकेट मारा जाता है, या अफ़गान ये देखते हैं कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो तो पाकिस्तानी अवाम पर आएगा। यहाँ पर जो खूनरेजी होगी, जो पहले इतनी खूनरेजी होती रही, वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरीका तो यहाँ से 8,000 मील दूर बैठा है, अमेरिका तो इसका जो रिएक्शन है
उसको तो पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त करेंगे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बर्दाश्त करेंगी, तो उस लिहाज से ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है। तीसरी जो एक बड़ी अहम बात है कि इस बात का जो इस्तेहकाक है वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए पॉलिसी तय करते हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि अमेरिका को अड्डे देना इस वक्त हमारे मफाद में है, तो भाई फिर उसको छुपा क्यों रहे हैं? जो स्टेक होल्डर्स हैं, असल जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको बता दें कि आप ये काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ताकि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप रहे। अब एक और बात इसमें बड़ी अहम है कि अगर हम अमेरिका को अड्डे देते हैं अफ़गानिस्तान में उनके इस्तेमाल के लिए, तो फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ पे? क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, मसलन कॉलन पावल के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे विल्कर्सन, उनका ये कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसलिए बैठा है कि एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रख सके, और दूसरा जो ये वीजर जो चाइनीज़ हैं, मुसलमान हैं, जो उनको वो फंडिंग कर सके और उनको चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभार सके, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस कर सके। तो फिर अगर हम अमेरिका के इतने साथ हैं, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप की क्या नोयत है? फिर क्या सी पैक पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? चाइना हमारे बारे में स्केप्टिकल नहीं होगा? ये बड़ी अहम बातें हैं और ये इनका जवाब कौम को चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा। एक बड़ी कमज़ोर सी स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने जारी की है, लेकिन जिस तरीके से एक भरपूर अंदाज में तरदीद होनी चाहिए थी या कौम को जो इत्माद में लेना चाहिए था। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे हैं पाकिस्तान जैसी फेक कंट्री, पाकिस्तान के इतने घटिया झूठे मक्कार लोग, मतलब आप इनको देख सकते हो ये मीडिया पर आकर कितना झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान को ये अड्डे दे चुके हैं, अपनी ज़मीन दे चुके हैं, ये अमेरिका में मतलब ऑफिशियल तौर पर बोला गया है, और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया डिनाइल कर रहा है। हालांकि जो दूसरा वीडियो आपने देखा होगा इस क्लिप का, उसमें बोल रहे हैं कि अमेरिका के लोग झूठ नहीं बोल सकते, तो उसने कुछ हद तक सच बोल दिया है। तो गाइज़ ये एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि चाइना नाराज़ ना हो। अगर चाइना को अंदाज़ा लग गया कि पाकिस्तान ने अनऑफिशियल तौर पर या ऑफिशियल तौर पर अमेरिका को अपनी जगह दी है स्टिल अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान के रिश्तों में जो दरार आएगी वो बड़ी डेंजरस होगी, और शायद उससे मतलब पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। हालांकि फ़ायदा भी क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। तो सिचुएशन ये है गाइज, और अब पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम मतलब ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, या तो फिर इनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि ऊपर से इनके जो भी एजेंसीज वगैरह से कि आप ऐसा झूठ बोलो जिससे कि दुनिया को लगे कि हमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए हैं, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर हमने अपनी एयर स्पेस और अड्डे दे दिए हैं। और ये हो भी सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ करता रहा है ड्रोन स्ट्राइक करने में, अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए करता रहा है, ये हिस्ट्री है। तो अब देख सकते हो दोस्तों ये लोग इतने मक्कार इतने लोग हैं, मतलब ये चाइना से भी पैसा लेना चाहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए अमेरिका से भी पैसा लेना चाहते हैं, तो इस तरीके की सोच है। हालांकि अगर ये ना भी दें तो अमेरिका प्रेशर बनाकर इनसे अड्डे ले लेगा, पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है, इतना इनके अंदर कलेजा ही नहीं है कि ये लोग बोले कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, नहीं तो डेफिनेटली फिर अमेरिका भी फिर लाठी चलाएगा वहाँ, FATF में ब्लैक लिस्ट कराएगा, कर्जे वर्जे जमाने भर के फलाने ठिकाने इनको करके इनकी बैंड बजा देगा। तो ये तो सच बात है। तो मुझे लग रहा है कि इनने अड्डे दे दिए हैं और आने वाले समय में ये बात भी आ जाएगी सामने, और इमरान खान की पार्टी के जो विदेश मंत्री वगैरह हैं जो वहाँ की जो असेंबली में आकर बोल रहे हैं कि नहीं हम अड्डे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये और वो फलाना ठिकाना, यू टर्न लेने में ये वैसे भी माहिर हैं, ये बोल देंगे हमने दे दिए क्या करें, इससे हमारा ये हो गया, ब्लैक लिस्ट से हम निकल गए, ये हो गया, कर्जे माफ़ हो गए, जमाने भर की चीज़ें अभी आने वाली हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है दोस्तों। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि अड्डे दे चुके हैं, लेकिन वो सीक्रेट रूप से दिए होंगे डेफिनेटली, और अब देखते हैं। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इस न्यूज़ के वायरल होते ही पाकिस्तान की जो मतलब इंग्लैंड में और भी कई कंट्रीज़ में, कतर में जो एम्बेसी हैं, वहाँ पर अफ़गान के लोगों ने, अफ़गान
की जनता जो भी वहाँ रहती है उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया, पथराव, पानी से भरी बोतलें मारना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो, हालांकि ये तो अफ़गानिस्तान के बड़े गुनहगार हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिहाद फैलाने में केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ रहा है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान तितर बितर हो गया। वहाँ पर कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोग रिफ्यूज़ी बन गए, हालत पूरी ख़राब है अफ़गानिस्तान की केवल इन लोगों की वजह से। और अब अगर कुछ भी होगा तो इनको भी रीपे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप देख पाएँ।